नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज का एजेंडा में हम बात करेंगे युवाओं की, बेरोजगारी की, एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, डिजिटल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की और मोदी सरकार के चुनाव से पहले किए गए युवाओं के लिए वायदे की। बहुत एक सब्जबाग दिखाया गया था कि मेरी सरकार आएगी तो कोई युवा खाली नहीं बैठेगा। हर जगह अपने दम पर स्टार्टअप स्टैंडअप की बात होगी, हर जगह एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन अभी जो श्रम ब्यूरो के आंकड़े सामने निकल कर आए वो काफी चौंका देने वाले हैं। अगर उसे वैश्विक स्तर से भारत से भी कंपेयर किया जाए तो चौंका देने वाले आंकड़े, खासतौर पर श्रम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड सामने निकल कर आया उसमें ये है कि बेरोजगारी दर 5% तक रही है। 2015 से 16 तक की रिपोर्ट है, इसमें महिलाओं की बेरोजगारी दर ज्यादा है, पुरुषों की कम है, लेकिन एग्रीगेट ये 5% है। तो क्या ये वाकई अच्छे दिन की ओर इशारा कर रहा है? अगर आप देश के युवाओं से पूछे तो वो या उसे या तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है पहले, और अब पूछा तो जॉब ही नहीं है तो सेटिस्फेक्शन कहां पर होगा? लोगों को निकाला जा रहा है, कोई कंपनी नहीं है, जॉब के अवसर नहीं है। क्या इस तरीके के अच्छे दिन की हमने कल्पना की? आंकड़ों पर बात करेंगे, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे आज का एजेंडा में। तो बेरोजगारी को लेकर श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की कह सकते हैं पोल खोल दी है। वो मोदी सरकार जो युवाओं की सरकार अपने आप को बताती थी, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती थी और कहते थे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर हम भारत ही लेकर आएंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2015 से 16 में देश में बेरोजगारी दर 5% तक पहुंच गई, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। विपक्ष का भी यही आरोप है, विपक्ष कहता रहा है कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में फिसड्डी है। हालांकि बीजेपी के नेता आंकड़ों में उलझाकर ये दावा कर रहे हैं कि मोदी राज में बेरोजगारों को बड़ी तादाद में नौकरी मिली। और अब यही सवाल उठता है कि दावे तो हैं लेकिन भाई नौकरी चाहिए, वो नौकरियां कहां हैं? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है उनका एक्सपर्ट ओपिनियन यहां पर लेंगे, और ओपिनियन नहीं, सलाह भी वो देंगे, निष्कर्ष भी वो निकालेंगे। यहाँ ये सिर्फ एक डिबेट नहीं है बल्कि एक लॉजिकल कंक्लूजन पर जाने की कोशिश है। मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट, आपको बजट से लेकर तमाम सरकार की योजना, चाहे वो रूरल हो, अर्बन योजना हो, उस पर बात करने के लिए हमेशा से आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ते रहे इंडिया 24/7 पर। इसके अलावा मेरे साथ वाराणसी से प्रोफेसर अनूप मिश्रा, जाने माने अर्थशास्त्री। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जिसके कायकल्प और जिसके डेवलपमेंट की बात से लेकर वाराणसी से देश के डेवलपमेंट की बात हुई थी, उस पर चर्चा करने के लिए अनूप मिश्रा साहब। वेलकम टू इंडिया 24/7 आप दोनों का। हम कोशिश करेंगे अब अपने रिपोर्टर के पास भी जाएं और ओपिनियन पब्लिक का इस पर जनरेट करें, लेकिन उससे पहले विस्तार से एक रिपोर्ट देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि दरअसल मोदी सरकार की अर्बन रूरल इंडिया को लेकर योजनाएं क्या थी, उस योजनाओं का क्या लाभ मिला, और अगर योजनाओं का वाकई लाभ मिला है जैसे कि सरकार कह रही है तो क्या ये आंकड़े झूठे हैं? ये आंकड़े झूठे नहीं हो सकते, और ये आंकड़े ऐसे कैसे आए, उसके पीछे के हालात, जानकारियां और लूपहोल्स इस रिपोर्ट में। हमारा नाव गांव वाले खलिहर रख दिए हैं, दिन पर खाली जो बैठे रहते हैं, बहुत बुरा लगता है। और नौकरी तो कर ले पर नौकरी है कहाँ? और वो हमसे कहते कि हमको वोट दो, तुमने हमको कह दिया जो हम तुमको वोट दें? पड़े आए वोट मांगने वाले, युवाओं को बेरोजगार रखने वालों। ये विज्ञापन तब का है जब मोदी देश में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का ख्वाब देख रहे थे, वोट के लिए युवाओं को रोजगार का सपना दिखा रहे थे। मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन संयोग देखिए कि देश के युवा बेरोजगार ही रह गए। मोदी राज में स्थिति ये हो गई है कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी भी शीर्ष पर पहुँच गयी है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि मोदी सरकार की रिपोर्ट कह रही है। समझते हैं अधिसंख लोग 10,000 रुपए से नीचे में आज जीवन यापन कर रहे हैं। नौकरी के लिए आज MBA का लड़का चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करता है। तो अगर ये स्थिति, और सरकारी नौकरियां भी नहीं क्रिएट हो रही हैं, प्राइवेट में भी नौकरियां नहीं क्रिएट हो पा रही हैं, सरकार को इस तरफ बहुत ही ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और जितने जितने वादे, सिर्फ बात ही रह जाएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। दरअसल श्रम ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की माने तो बेरोजगारी दर 2015-16 में 5% पर पहुंच गई, जो 5 साल का उच्च स्तर है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 8.7% के उच्च स्तर पर है। पुरुषों में बेरोजगारी दर 4.3% है,
रिपोर्ट्स के मुताबिक 77% परिवारों के पास कोई नियमित आय के साधन या वेतन भोगी व्यक्ति नहीं है। ये सर्वे 2015 में अप्रैल से दिसंबर के बीच किया गया। इस दौरान 1,60,000 घरों में 7,80,000 लोगों से बात की गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोदी के लाख कोशिशों के बावजूद बेरोजगारी के बादल देश पर से नहीं छट रहे हैं। बीजेपी के तमाम दावों की पोल मोदी सरकार की रिपोर्ट ने ही खोल दी है। सर्वे के दौरान पता चला कि एक तिहाई कामकाजी लोगों को पूरे साल काम नहीं मिला। 68% हाउस होल्ड की मंथली इनकम सिर्फ 10,000 रुपए रही। सर्वे के मुताबिक शहरी एरिया में जॉब का स्तर अभी भी ग्रामीण एरिया के मुकाबले ज्यादा है। 82% शहर और 53% गांव के लोगों को जॉब मिली। इतने बड़े स्केल पर बेरोजगारी के बारे में जानने के लिए सर्वे नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद पहली बार हुआ है। श्रम ब्यूरो के अनुसार 2013-14 में बेरोजगारी दर 4.9%, 2012-13 में 4.7%, 2011-12 में 3.8% और 2009-10 में 9.3% रही। वर्ष 2014-15 के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। बिना पैसे के तो किसी का गुजारा होना नहीं है। कोई क्राइम पे चला जाता है, कोई कहीं जाके ज्वाइन कर लेता है, तो इससे क्राइम बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ती जा रही है। आप महंगाई पे कंट्रोल लगा रहे हैं। अगर आप महंगाई कुछ कम किए होते तो मान लीजिए 10,000 पे नौकरी करने वाला भी किसी तरह अपना घर चला लेता। आज 10,000 का मतलब कुछ नहीं होता है। आदमी एक मकान नहीं ले, एक किराए का मकान में रह ले और अपना महीने का खर्चा नहीं निकाल सकता 10,000 रुपये महीने में। तो एम्प्लॉयमेंट तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। बिना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए आप यूथ जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, आपका देश कैसे आगे बढ़ेगा। 2 बरस पहले जब बीजेपी सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी तो इसी बेरोजगारी को हथियार बनाकर मनमोहन सरकार पर तीखा हमला किया गया था, लेकिन मोदी की सरकार बनने पर स्थिति और बिगड़ गई। अब सवाल उठता है कि नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के अच्छे दिन कब आएंगे? क्या वोट लेकर युवाओं को भूल गई है बीजेपी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। ये दुखद स्थिति हमारे देश की कि एमबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट और अच्छी डिग्री तो युवाओं के पास है, चाहे वो विदेश जाकर डिग्री लेकर आए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पर उन्हें अपने जूते घिसने ही पड़ते हैं। नौकरी मिलती नहीं है और नौकरी अगर नहीं मिलती है तो तरह तरह के ये गलत चीजों को भी, जो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, युवा के माइंडसेट को जिस तरीके से एक युवा बता रहा था, क्राइम को भी जन्म दे सकती है। फ्रस्ट्रेशन भी होता है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का यूटिलाइजेशन क्योंकि नहीं हो रहा है, तो इसके कारण जो वर्क प्लेस है उस पर भी फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं, तो लोग ये चाहते हैं कि उनके अपने करीब हो, तो मेरिटोरियस यहां पर रह जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पर बातें तो यहां पर बहुत की गई, लेकिन नौकरी कहां है? इसको चौंका देने वाली रिपोर्ट जो सामने निकल कर है, जिसमें बेरोजगारी दर सबसे 5 साल के निचले स्तर पर, उसके भी आंकड़े लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और इसी आंकड़ों से चलते हैं हम सबसे पहले अपने एक्सपर्ट आकाश जिंदल के पास। आकाश जिंदल जी, रिपोर्ट आपने देखी और ये भी मैं आपसे बताना चाहूंगी और आपको भी बेहतर तरीके से बताएं, युवाओं के लिए अच्छे दिन की प्रॉमिस और युवाओं के लिए योजना जो मोदी सरकार ने चलाई थी उसके ग्राफिक्स भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन सर एकदम से हुआ क्या? एक साल में जितना हम एक्साइटेड अवेट कर रहे थे, योजनाएं स्टैंडअप स्टार्टअप डिजिटल के नाम पर बहुत चली, उसका लाभ हमें नहीं मिल पाया। हर कोई नौकरी को तलस रहा है, रेज्यूम भेज रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जी देखिए, हुआ क्या है, इसमें 2-3 कमियां रही हैं। सबसे पहले अगर आप रिपोर्ट को डीपली देखें, सबसे बड़ा इशू है रूरल इंडिया में हमारे किसान भाइयों के साथ। हमारा अन्नदाता जो अपनी मेहनत से जो है हमारे लिए भोजन पैदा करता है, वहाँ पे क्या है, मैं बार बार यूपीए गवर्नमेंट को, और आपको याद होगा यूपीए सरकार के समय भी आप बजट इशू एनालाइज मेरे साथ किया करती थी, एनडीए को भी बार बार कहता आया हूँ कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर ऑटोमेशन लानी है और यील्ड बढ़ानी है, यानी हमारे किसान भाइयों की सिंपल टर्म में कहा जाए कमाई बढ़ानी है। अगर रूरल इंडिया में हमने वो सब किया होता एग्रीकल्चर को लेकर जो रिक्वायर्ड था, तो सबसे पहले वहाँ से माइग्रेशन ना होती। और अब भी अगर देखें स्थिति वहाँ ज़्यादा ख़राब है, तो आई थिंक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में जो हमें एक्चुअली करना चाहिए था, ना तो पिछली सरकार ने ना इस सरकार ने उस तरीके से किया है। अब आते हैं अर्बन इंडिया की तरफ। अर्बन इंडिया में जॉब्स कहाँ से जनरेट होती? ठीक है, सर्विसेज सेक्टर हमारी जीडीपी 60% के आसपास सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ,
मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हम नहीं कर पाए हैं, और बहुत बढ़िया हमारे सामने मौका था जब चाइना डाउन गया हुआ था, तब भी हम मैन्युफैक्चरिंग में उस तरह की ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। जहाँ तक प्लान्स या जो पॉलिसीज आई हैं, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, देखिए ये डेटा इकट्ठा शुरू होने है 2015 से, तो कुछ चीज़ें तो उस समय लॉन्च भी नहीं हुई थी, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट या GST का इम्पैक्ट आते आते कुछ समय लगेगा। आई थिंक 2017-18 वुड बी द ईयर वेन वील सी द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल दी स्कीम्स। बट ऑन द सेम हैंड, इससे ये नहीं है कि हम सरकार को जो है नॉन परफॉर्मेंस के लिए कोई जो है एग्जम्पशन दे दें, सरकार को तो परफॉर्म करना चाहिए था। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में जो डोमेस्टिक कॉरपोरेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी वो हमने नहीं देखी। जिस तरह के जो है इंसेंटिव, जिस तरह का मोटिवेशन डोमेस्टिक कॉरपोरेट सेक्टर को मिलना चाहिए था वो नहीं देखा। FDI तो आ गया कुछ हद तक मेक इन इंडिया में, बट डोमेस्टिक कॉरपोरेट सेक्टर ने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं लगाए। तीसरा बड़ा इशू है हमारी जो है एजुकेशन पॉलिसी। मैं पिछले 7-8 साल से लगातार सरकार के मंत्रियों के साथ जब सेमिनार्स में होता हूँ, टीवी शोज में होता हूँ, बार बार कहता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी आप ऐसा कीजिए। देखिए आप प्रैक्टिकली आप मुझे बताएं, 10th के बाद कोई 5 साल लगा के BA कर लेता है, BA की डिग्री लगा के क्या आज जॉब अवेलेबल है? हमें करना क्या चाहिए? एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, ज्ञान में निपुण है ही नहीं, उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस ही नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज पर उसे डिग्री मिल जाती है और उसे डिग्री के दम पर वो जॉब नहीं पा पा रहा। मेरे हिसाब से तो प्लस टू स्कूल में होनी चाहिए, ब्यूटिशियन के कोर्स की प्लस टू स्कूल में होनी चाहिए, सरकारी स्कूल में कि आप एक इंडस्ट्री में सुपरवाइजर लग सको, प्लस टू स्कूल में होनी चाहिए शेफ की। लोग सरकारी स्कूल में जानबूझ के सस्ती सुलभ शिक्षा, अच्छी शिक्षा की बात की जाती है लेकिन पढ़ाना नहीं चाहता, प्राइवेट का ही रुख करता है, चाहे अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाए। प्राइवेट का भी हाल ये है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन की 100% प्लेसमेंट की बात करते हैं, 2 साल में चीजें सब पता चल जाती है कि उनका क्या, कॉलेजेस ही बंद हो जाते हैं, तो वो जॉब तो छोड़ ही दीजिए। तो हम प्रोफेसर अनूप मिश्रा के पास चलेंगे और ये बताते हैं कि अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं। नोएडा का ये लेबर चौक का दरअसल इलाका है, बहुत सारे लेबर यहाँ पर जुड़ते हैं। श्रम ब्यूरो के आंकड़े की हम बात करें तो वो बेटर हमें फीडबैक यहाँ पर देंगे, क्योंकि नोएडा की बात करें तो वो एक IT हब पर विकसित करने जाने की बात थी, लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए एक मुख्यमंत्री तो क्या, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई आना नहीं चाहता है नोएडा में कि भाई उसकी कुर्सी ना चली जाए, ये दरअसल माइंडसेट है यहाँ पर। प्रोफेसर अनूप मिश्रा, वाराणसी से आप हैं, हाई प्रोफाइल सीट है, प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। ग्रामीण भारत पर अगर फोकस करें, ग्रामीण भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? जब स्वरोजगार योजना आई थी गाँव के लिए, गाँव गाँव को आदर्श बनाने की बात की जाती है, और हर भाषण में चाहे वो लोकसभा के कैंपेन का हो, नरेंद्र मोदी ने फोकस करा था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि गांव बढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा, ग्रामीण भारत ही हमारी नींव है, उस नींव में तो सब बेरोजगार है। देखिए निहारिका जी, बात आपने बिल्कुल सच कही, इस समय जो देश में विकास हो रहा है वो रोजगार विहीन विकास हो रहा है। हम अर्थशास्त्री ग्रुप में इसमें हम लोग भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ग्रामीण में अगर रोजगार का सृजन नहीं हुआ तो जो मोदी जी ने रोजगार दिखाने का सपना दिया था वो शायद सफल नहीं हो पाएगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया और जिंदल साहब ने उसको बहुत बखूबी कहा कि जब तक गाँव में, जो गाँव में अभी भी 69% लोग हमारे निवासी रहते हैं, उतना ही परसेंट समझ लीजिए बेरोजगारी है। इसलिए बेरोजगारी हम करें कि वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी है, लोग गांव पे अपने भूमि पर आश्रित हैं जो फुल टाइम रोजगार मुहैया नहीं करा सकता। लेकिन आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं वो 2015 तक का है, हम बिल्कुल ये मानते हैं कि 2015 तक पिछली सरकार ने बेरोजगारी के स्तर को अपने उच्च स्तर तक ले आकर पहुंचा दिया था, ये सरकार उसमें इजाफा नहीं कर पाए। वजह यह है कि गांव में जो इस साल का बजट है, इस साल के बजट का असर हमको अगले साल दिखाई देगा। जब तक गांव में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जहां सबसे अधिक गरीबी है, उनके रोजगार के सृजन के बारे में हम वास्तविक नीति नहीं बनाएंगे तब तक रोजगार सृजन नहीं हो पाएगा। आप सही कह रही हैं कि जो मेक इन इंडिया था वो मोदी जी का रोजगार सृजन का एक सपना था, मेक इन इंडिया सफल इसलिए नहीं हो पाया कि आप जानती हैं जैसे मोदी जी ने सरकार संभाली मेक इन इंडिया एक विवाद में हो गया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं हो पाया। कोई भी बाहर का इन्वेस्टमेंट, वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आएगा तो उसको भूमि चाहिए, हम विवादित कर दिए इस योजना को। इसलिए कहीं ना कहीं से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजाफा नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि सबसे अधिक रोजगार अभी सर्विस सेक्टर देता है और वो भी अस्थाई रोजगार देता है, ग्रामीण भारत अस्थाई रोजगार देता है। पिछली सरकार ने जो नरेगा योजना बनाई थी उस नरेगा योजना में रोजगार को बढ़ता हुआ दिखाई था, जो कि क्राइम था, क्योंकि 100 दिन का रोजगार योजना कोई रोजगार नहीं हुआ, रोजगार गारंटी 100 दिन की नहीं होनी चाहिए, वर्ष भर होनी चाहिए। ये हमारी रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में अभी भी 50-60% लोग
अल्प रोजगार में बिल्कुल सर आप आए ओपनर बातें यहाँ पर बता रहे हैं और अब रैली से और बड़े बड़े मन से जो हवा हवाई बातें यहाँ पर की जाती है किसी के भी पॉलिटिशियन द्वारा जो अपने आप को जनसेवक बताता है, दरअसल एक्चुअल फैक्ट तो आप लोग बता रहे हो उसे हमें भी समझने की यहाँ पर जरूरत है। शायद यही कारण है कि जमीन स्तर पर यह मजबूत नहीं है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कंपनीज ही नहीं आ रही है, विदेशों के दौरे करके कैसे आप ब्रेन ड्रेन कर लोगे और वहां से इन्वेस्टमेंट ले आओगे जब यहाँ पर स्थिति माहौल पूरी तरीके से प्रतिकूल है। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, प्रतिकूल माहौल की हमने बात करी, नोएडा को हाईटेक सिटी बनाने की बात की जा रही थी, बहुत ही कम नेता यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ आते शिलान्यास करते कुर्सी गवा देते हैं, क्यों लगातार रोज खबरें यहाँ पर आ रही है कि युवाओं को जॉब से निकाला जा रहा है, कंपनी शटडाउन हो रही है? देखिए निहारिका का, मैं नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र की आपसे बात करूं, चाहे सेक्टर 62 हो या सेक्टर 63 हो, तो यहाँ के कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके बाहर यहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ पर जॉब की ज़रूरत है, यहाँ पर इंजीनियर से लेकर लेबर के लिए यहाँ पर जॉब की गारंटी की मुहैया कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत निहारिका यहाँ पर यह होती है कि लोगों को नौकरी तो यहाँ पर दे दी जाती हैं, लेकिन जब उनकी तनख्वाह देने की बारी आती है तो उनको तनख्वाह नहीं मिलती, तीन तीन चार चार महीने तक उनसे काम कराया जाता है लेकिन उनकी मजदूरी उनको नहीं मिलती। और यहाँ की कई ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर यहाँ के थाने हैं वहाँ पर शिकायतें जाती हैं, लेकिन जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। शायद यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं तो उनको सैलरी नहीं मिलती, ऊपर से उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उनमें आक्रोश आता है क्योंकि यहाँ पर जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर उनके घर वालों की डिपेंडेंसी है। हालांकि कानून को हाथ में लेना गलत है, कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आप तोड़फोड़ करके या किसी को चोट पहुँचा के आप अपनी जॉब पाओ, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम की भी गलती समझनी होगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं, यहाँ पर तीन तीन चार चार महीने नौकरी करते हैं, उनको सैलरी आप नहीं देते और अचानक उनके हाथ में आप लेटर थमा देते हैं कि हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है आपकी नौकरी की और उनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम हो चुका है जो उद्योगपतियों की तो सहायता करता है लेकिन जो लेबर क्लास है उसकी सहायता नहीं करता। निहारिका, मेरे साथ तमाम यहाँ पर ये लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उनकी आपकी जो परेशानियां हैं वो क्या है, नौकरी से आप लोग को निकाल दिया जाता है? निकाल दिए जाते हैं सर, काम नहीं रहता तो निकाल देते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं सर कि हम गरीब मजदूरों को बड़ी बुरा हालत है, यहाँ 6,000 सैलरी मिलता है, वो में डेढ़ महीने पर सैलरी मिलते हैं, पेशाब करने के लिए सुपरवाइजर और मैनेजर से दस्तखत कराना पड़ता है तथा पेशाब करने के लिए दिया जाता है। देखिए निहारिका, जो लोग जो यहाँ नौकरी करते हैं वो काफ़ी परेशान हैं, अभी यहाँ पर एक बड़ा उपद्रव हुआ है, दरअसल जिन लोगों को यहाँ से नौकरी से निकाला गया उन्होंने उस फैक्ट्री पर पथराव कर दिया और जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। SSP नोएडा यहाँ अनुराग, दुखद स्थिति यही पर है यहाँ पर, सबसे बड़ा जिस इलाके में दुखद स्थिति है कि लोग कंपनी के बाहर ज्यादा दिखते हैं, कंपनी के अंदर कोई होता ही नहीं है, उसकी असल वजह आपने बताई। श्रम ब्यूरो ने 5 साल के सबसे जो स्तर बेरोजगारी का सामने निकल कर आया है सबसे ज्यादा है 5%। इस उम्मीद के साथ हमने यहाँ पर वोट दिया था कि हमें नौकरियां मिलेंगी, युवाओं को डेवलपमेंट और नौकरियां चाहिए, लेकिन नतीजा सिफर है। 2015-16 की रिपोर्ट के आंकड़े इसी ओर इशारा करते हैं। मैं चाहूंगी अपने गेस्ट से बहुत ही जल्दी 10-10 सेकंड में अपना फीडबैक देते। आकाश जिंदल जी, सोल्यूशन सबसे पहले? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव किया जाए, ऑटोमेशन की जाए, साथ ही साथ इंडस्ट्री को मोटिवेट किया जाए कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आए, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आए, वो अपने आप घर पे जाके लोगों को बुलाएंगे, भाई साहब मेरी फैक्ट्री लगी है आप आइए, सिक्योरिटी गार्ड की, मजदूर की, ट्रकर की यहाँ पे जॉब कीजिए। साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज करना होगा जिसकी पहले ना कांग्रेस ने हिम्मत की ना आज BJP कर रही है। आपको 12th में ऐसे कोर्सेज रखने होंगे कि आप ब्यूटिशियन बन रहे हैं, सुपरवाइजर बन रहे हैं और सरकारी स्कूल में ये कोर्सेज रखने होंगे, इवन ये तक कोर्सेज रखने होंगे कि 10वीं के बाद अगर मैं दुकान खोलना चाहता हूं तो 1 साल का दुकानदार का कोर्स होना चाहिए जिसके अंदर मुझे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बुककीपिंग, अकाउंट, सेलमैन, सारी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल अनूप मिश्रा जी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भूमि जिस पर आपने फोकस किया उस पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा काम कहां पर होगा? देखिए बिल्कुल बिल्कुल निहारिका जी, हम बहुत छोटे बताएंगे आपको, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि जो स्किल इंडिया है वो सीधे ग्रामीण महिलाओं के साथ जोड़ दिया जाए, ग्रामीण महिलाओं में हमारे हुनर है, उनको स्किल इंडिया प्रोग्राम से जोड़ के उनको अगर फंडेड कर दिया जाए तो जो SHGs के ग्रुप हैं वो मिलके इतने सारे ग्रामीण रिसोर्सेज को एक्युमुलेट करेंगे कि सारे महिलाओं को। सर सेंटर स्टेट में भी तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, भूमि कोई नहीं देता है तो काम कहां होगा? ग्रामीण से और मेक इन, देखिए मैडम वहाँ पर बहुत सारे जरूरी है, आपको मालूम है कि बहुत सारे गांव हैं
अपने बहुत, बहुत, बहुत सारे गांव हैं जहां ग्रामीण महिलाएं पापड़ और अमावट बना के मार्केट में अपना सीजन करती है रोजगार को। और आज जब चाइना डाउन है तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री को ग्रो कराने की, ये चीज सरकार को देखनी होगी। एक तरफ ग्रामीण पर फोकस कीजिए, दूसरे तरफ अर्बन पर मौका दिया है अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कराने का, क्योंकि चाइना की जो है इस टाइम इकोनॉमी वो क्रैश हुई हुई है, तो ऐसे में हम अपनी इंडस्ट्री को उठा सकते हैं। तो आई थिंक लैंड रिफॉर्म्स, यस यू आर पॉइंटिंग आउट वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। अनुराग, रिफॉर्मेशन की बात, युवा क्या चाहता है? एक वो युवा जो निकाला जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनी से, पढ़ा लिखा है एमबीए वाला युवा। जो बिल्कुल निहारिका, जिस तरीके से बात हो रही है कि एजुकेशन में बदलाव करने की, लेकिन हम नोएडा और एनसीआर में ये पूरा मामला देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, जो लोग काबिल भी हैं, वही बेरोजगार हैं। और जब वो नौकरी पा भी लेते हैं तो उनके साथ चीटिंग होनी चाहिए। एक समस्या तो ये कि उनको नौकरी नहीं मिलती है, दूसरी समस्या उनके साथ ये कि जब उनकी नौकरी किसी अच्छे संस्थान में लग भी जाती है तो वहाँ उनके साथ चीटिंग होती है। 5-6 महीने उनसे काम करा जाता है, उनको सैलरी नहीं मिलती, और फिर जो हमारे वो सिस्टम के पास वो जाते हैं कि भाई हमारे साथ चीटिंग हो रही है, तो हमारा सिस्टम उनकी मदद नहीं करता। फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है, कम सैलरी में मजबूरी में युवा काम कर रहे हैं, कॉलेजेस प्लेसमेंट दे रहे, जॉब सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनका फीस का कोटा तब तक पूरा हो जाता है तो निकाले जा रहे हो। बात शायद इसी कारण नोएडा में, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में भीड़ कंपनी के अंदर नहीं बल्कि बाहर देखने को मिलती है, जैसा अनुराग के पास है। धन्यवाद आप दोनों सम्मानित पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुराग आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है, आय का कोई साधन नहीं है, योजनाएं बहुत हैं, नौकरी नहीं है, मेक इन इंडिया का जो बब्बर शेर है उसे तेजी से भागना पड़ेगा। समय आ गया है बात करने का, क्योंकि युवा एक वोट बैंक भी है, और युवा कितना बढ़े वो देश कितना डेवलप हो इसकी ओर इशारा करता है।